So today's practical is acid first staining technique. Now what is the aim of today's practical? Aim is to study the bacterial culture by acid first staining or Zeal-Nielsen staining method. Here we are going to use two different broth cultures. First is 72-hour grown Mycobacterium tuberculosis organism and 24-hour grown Staphylococcus organism. Because this organism is little slower in growth, so it is grown for 72 hours, and this is little faster in growth, so it is grown for 24 hours. Then carval fusion is the another staining reagent, methylene blue and malachite green. In tino mein se kaun sa bhi ek lagega. Reagent bolte hai to kya lega? Hum kaun si reagent lene wale hai? Hum lene wale hai pehla reagent, de-staining agent, ek hai 3% HCl, 95% ethanol, aur dusra hai 20% H2SO4. तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सॉल्यूशन है इसके लिए, और इसकी वजह से हमें उसको हम एसिड फास्ट बोलते हैं. इसका रीज़न क्या है कि जो डीकलराइजिंग रिएजेंट हम ले रहे हैं उसके दोनों में भी एसिड है, इसके दोनों में भी. ओके, सो हम क्या करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने उसे एसिड फास्ट बोला है. अब एसिड फास्टनेस का रीज़न अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रिंसिपल में उसका इंपॉर्टेंस क्या है. एपरेटस क्या है, ग्लास स्लाइड, स्टेनिंग ट्रे, इनोकुलेटिंग लूप, बुनसेन बर्नर एंड माइक्रोस्कोप. अब यहाँ देख लीजिए प्रिंसिपल में क्या है, वॉट इज़ द थिंग विच इज़ देयर इन द प्रिंसिपल. एसिड फास्ट स्टेनिंग इज अनदर वाइडली यूज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक इन द बैक्टेरियोलॉजी. मतलब ये डिफरेंशियल है, मतलब एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट, ये दो चीज़ें, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ देख लीजिए दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरीज तैयार होते हैं, इसीलिए हम इसे डिफरेंशियल स्टेनिंग बोलते हैं. दिस स्टेन वॉज डेवलप्ड बाय पाउल अर्लिच इन 1882. 1882 में हमने पाउल अर्लिच नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहले डेवलप किया है. उसके बाद जील एंड नीलसन नाम के दो अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग जगह इस एसिड फास्ट थ्योरी को मतलब स्टडी किया और उन्होंने प्रपोज किया इन 1882 टू 1883, विच इज़ कॉमनली यूज्ड टुडे. और ये इन्होंने डेवलप की वाली टेक्निक, मतलब फाउंडेशन लेड बाय दिस पाउल अर्लिच एंड एडवांसमेंट डन बाय दिस टू साइंटिस्ट नेम एज जील एंड नीलसन. तो यह होता क्या है कि सम एसिड फास्ट बैक्टीरिया रेजिस्ट डीकलराइजेशन. इनका मतलब क्या है, इस पूरे प्रैक्टिकल के प्रिंसिपल का मेन जो टारगेट है या मेन रीज़न है, ये स्टडी करना है हमें. क्या कि सम बैक्टीरिया रेजिस्ट डीकलराइजेशन. अब कौन सा डीकलराइजेशन एजेंट यूज़ करने के बाद भी, तो ये यहाँ है, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट डीकलराइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों भी, ये एक और ये दो, इसमें दोनों में से कौन सा भी यूज़ करेंगे हम तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीकलराइजिंग एजेंट बोल के काम करेगा. लेकिन तब भी कुछ बैक्टीरिया उनके सेल वॉल में जो उन्होंने हमने स्टेनिंग डाल दी है, उनके कलर डाल दिया है, अगर दे आर नॉट लीविंग द स्टेन, इसका मतलब क्या है, सम बैक्टीरिया रेजिस्ट डीकलराइजेशन बाय एसिड अल्कोहल, हेंस दे आर रेफर्ड एज एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म. अब जो ऑर्गेनिज्म इतना स्ट्रांग डीकलराइजिंग एजेंट या इतना स्ट्रांग एसिड फास्ट मतलब एसिड यूज करने के बावजूद अगर कोई स्टेनिंग किया हुआ कलर नहीं छोड़ता है, तो उसको एसिड फास्ट पॉजिटिव बोला जाता है. अब यहाँ देख लीजिए एसिड अल्कोहल 3% एंड 95% इथेनॉल इज वेरी इंटेंसिव डीकलराइजर. इंटेंसिव मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग, इजंट इट. दिस स्टेनिंग टेक्निक डिवाइड बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट. दिस प्रोसीजर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के ऑर्गेनिज्म को डायग्नोसिस करने के लिए ये टेक्निक यूज किया जाता है. अब इसके आगे जो वाला पड़ाव है इस प्रैक्टिकल का, तो वो ये है कि हम मतलब एक्चुअल एसिड फास्टनेस क्यों है इसमें. तो एसिड फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन माइकोबैक्टीरिया एंड सम स्पेसीज ऑफ नोकार्डिया इज कोरिलेटेड विद देयर हाई लिपिड कंटेंट. मतलब इसको माना गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के सेल सरफेस में 60% तक या उसके टोटल वेट के 7% उनके अंदर जो है लिपिड भरा हुआ है सेल वॉल में. ये देख लीजिए यहाँ पूरा ये वाला ब्रॉड लेयर है ना, पूरा लिपिड भरा पड़ा है, इजंट इट. तो ये लिपिड 60% ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट सेल वॉल, एसिड फास्ट सेल हैव रिलेटिवली लो परमेबिलिटी टू डाई एंड हेंस डिफिकल्ट टू स्टेन. इनका मानना क्या है मैं बताता हूँ आपको. अब इनके सेल वॉल के अंदर
सबसे ज़्यादा लिपिड या फैट भरा हुआ है, इसीलिए उनके अंदर कोई स्टेनिंग रिएजेंट जाता नहीं, कोई स्टेनिंग रिएजेंट जाता नहीं, इजंट इट। अब सेल वॉल में वो घुसता ही नहीं, परमिएबेश मतलब वो सेल वॉल में स्टेनिंग रिएजेंट घुसता ही नहीं, जैसे हमने क्रिस्टल वायलेट यूज़ किया या कार्बोल फिशिंग यूज़ किया तो घुसता नहीं, इजंट इट। इसीलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है स्टेन करने के लिए। देन उसके बाद क्या है, ठीक है डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी हम स्टेन कर सकते हैं। फॉर द स्टेनिंग ऑफ दिस बैक्टीरिया पेनिट्रेशन ऑफ प्राइमरी डाई इज फैसिलिटेटेड बाई यूज ऑफ 5% एक्वियस फिनॉल एक्ट एज अ केमिकल इंटेंसीफायर। मतलब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे इधर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू टेक द स्लाइड, और स्लाइड के ऊपर ऑर्गेनिज्म का स्मीयर बना दिया इधर, इसके ऊपर हमने कार्बोल फ्यूजन नाम का स्टेन डाल दिया, लेकिन ये स्टेन अंदर घुस नहीं रहा बैक्टीरिया के, तो हमने क्या डाल दिया उधर 5% एक्वियस फिनॉल। तो ये क्या करेगा, एक्ट एज अ केमिकल इंटेंसीफायर। इंटेंसीफायर मतलब क्या करेगा, वो कार्बोल फ्यूजन को अंदर घुसने में मदद करेगा, किसके अंदर, ज़्यादा लिपिड कंटेंट के सेल वॉल वाले बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया तो इजीली स्टेन हो जाता है, लेकिन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के और माइकोबैक्टीरियम लेप्री के, ये दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमें स्टेन को घुसाना है, क्योंकि उनके अंदर 60% वेट बाय वेट लिपिड कंटेंट होता है, सबसे ज़्यादा लिपिड होता है, तो इसके अंदर स्टेन घुसता नहीं है। स्टेन कौन सा, कार्बोल फ्यूजन है, निग्रोसिन है, सॉरी मेलाकाइट ग्रीन है, मेलाकाइट ग्रीन MG बोलते हैं उसको। तो ये स्टेन अंदर घुसाने के लिए हमें 5% एक्वियस फिनॉल यूज करना है एज अ केमिकल इंटेंसीफायर। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ उसको ही यूज नहीं करना है हमें एक्वियस फिनॉल को, उसके साथ हीट इज ऑल्सो यूज एट एज अ फिजिकल इंटेंसीफायर, थोड़ा गर्म भी करना है उसको स्लाइड को, तब जाके मतलब फिनॉल और हीट करेगा और फिनॉल केमिकल इंटेंसिफायर का काम करेगा। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को स्टेन अंदर घुस के मतलब स्टेन अंदर लेने के लिए मजबूर करेंगे। दे आर दिस टू केमिकल एंड फिजिकल इंटेंसिफायर विल अलाउ दैट बैक्टीरिया टू टेक स्टेन इनसाइड द सेल वॉल, जिसमें 60% लिपिड है। बाद में वंस दीज सेल्स आर स्टेन, एक बार फिनॉल का और हीट का यूज करके अगर सेल का स्टेनिंग हो गया, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिकलराइज विथ एसिड एंड अल्कोहल। और फिर बाद में अगर हम उसको डिकलराइज करना चाहते हैं तो हम उसे डिकलराइज नहीं कर सकते, इसका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दिस द एसिड फास्ट स्टेनिंग यूजेस 3 different रिएजेंट, उसमें 3 अलग अलग रिएजेंट यूज करते हैं हम। पहला वाला कौन सा है, प्राइमरी स्टेन, कार्बोल फ्यूजन बोलते हैं उसको। कार्बोल फ्यूजन ए फिनॉलिक स्टेन विच इज सोल्यूबल इन लिपोइडल मटेरियल, लिपिड में अंदर से जाके बैठता है। कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल, अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ एंड रिटेंशन ऑफ रेड स्टेन, ये रेड कलर का स्टेन अंदर पेनिट्रेशन अलाउ करेगा। पेनिट्रेशन इज इंक्रीज बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, वो खुद ही फिनॉलिक है, देख लीजिए इधर फिनॉलिक है, तो फिनॉल इंटेंसीफायर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं, तब भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिनॉलिक है इसीलिए ये और हीट दोनों मिला के, इधर देख लीजिए हीट है इधर, विच डाइवर्स कार्बोल फ्यूजन थ्रू द लिपोइडल वॉल इन टू द साइटोप्लाज्म, मतलब लिपोइडल वॉल को तो भेजती है, अंदर साइटोप्लाज्म में भी चला जाती है, इजंट इट। सो हियर ऑल सेल अपेयर इन रेड कलर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी स्टेन, मतलब कार्बोल फ्यूजन लेने के बाद, क्योंकि हीट में हमने यह क्या क्या यूज़ किया है, फिनॉलिक स्टेन यूज किया है, मतलब फिनॉल 5% ऑलरेडी यूज करने वाले, तो खुद स्टेन ही फिनॉल ट्राई करने वाले हैं। अब डीकलराइजेशन एसिड अल्कोहल, जैसे 3% HCl एंड 95% अल्कोहल यूज किया था, या तो फिर 20% H2SO4। स्मीयर इज कूल्ड बिफोर डीकलराइजेशन, उसको जैसे हमने इधर हीट दिया है ना, तो इसको हीट को थोड़ा क्या करना है, कूल करना है। डीकलराइजेशन विच अलाउज वैक्सी सेल सब्सटेंसेस टू हार्डन, उसके बाद मतलब कूल करने के बाद क्या होगा, जो वैक्स मटेरियल है सेल वॉल में वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा।
ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीकलराइजिंग एजेंट, जैसे हम डीकलराइजिंग एजेंट ऐड करेंगे 20% एस्टोपेसोल, एसिड फर्स्ट सेल शोज रेजिस्टेंट टू डीकलराइजेशन, मतलब ये जो माइकोबैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म के जो सेल है ना वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे, डीकलराइजेशन होगा नहीं उनका। प्राइमरी स्टेन इज मोर सोल्यूबल इन द सेल्युलर वैक्सेस दैन डीकलराइजिंग रिएजेंट, और इसका मतलब क्या है, हमने जो प्राइमरी कार्बोल फ्यूजन नाम का स्टेन लिया है वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है वैक्सी मटेरियल में, सेल वॉल में ज़्यादा सोल्यूबल है, किसके कंपेरिजन में, डीकलराइजिंग रिएजेंट के। हेंस प्राइमरी स्टेन इज रिटेन्ड बाय माइकोबैक्टीरिया स्पीसीज, बट दिस इज नॉट केस विथ नॉन एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज लैक ऑफ सेलुलर वैक्सेस। मतलब उसके कंपेरिजन में हमने स्टेफेलोकोकस ऑरियस नाम का जो ऑर्गेनिज्म लिया है वो इमीडिएटली 20% H2SO4 के साथ वो खुद का डी स्टेनिंग कर लेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो वैक्स है ही नहीं, यहाँ बता दिया उन्होंने लैक ऑफ सेलुलर वैक्सेस, किसके पास, जो नॉन एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया है मतलब स्टेफेलोकोकस ऑरियस, तो वो जल्दी से स्टेन छोड़ देगा। प्राइमरी स्टेन इज इजीली रिमूव ड्यूरिंग डीकलराइजेशन एंड नॉन एसिड फर्स्ट सेल इज ऑब्जर्व एज कलरलेस, मतलब जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग में देखा था उसी तरीके से यहाँ स्टेप नंबर दो में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है रेड कलर में रहेंगे क्योंकि उनके अंदर कार्बोल फ्यूजन अभी भी जमा है। अब्सेंट है और यहाँ 60% है, इसीलिए एक तो स्टेन लेते नहीं, लेने के बाद छोड़ते नहीं। देन उसके बाद होता है काउंटर स्टेन। अब मेरे को बता दीजिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का ऑर्गेनिज्म है तो वो तो ऑलरेडी रेड कलर में है, कलरलेस कौन है, स्टेफेलोकोकस ऑरियस कलरलेस है, तो यहाँ काउंटर स्टेन कर देंगे मिथिलिन ब्लू से, एमालाकाइट ग्रीन से, तो नॉन एसिड फर्स्ट बैक्टीरिया एब्जॉर्ब काउंटर स्टेन अपीयर्स इन ब्लू और ग्रीन कलर, तो दूसरे वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से कलर में दिखेंगे, ये वाला दिखेगा रेड में और दूसरा वाला दिखेगा, दूसरा या तो ब्लू में दिखेगा या तो ग्रीन में दिखेगा, ये तो सिंपल है। इसमें होता क्या है फिर, दिस इज़ कॉल्ड एज MTB ऑर्गेनिज्म, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज है, इधर ये TB का हो सकता है या लेप्रसी का हो सकता है, और ये नॉन एसिड फास्ट हो गए दोनों, ये दोनों क्या हो गए, नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें क्या हो गया था, डीकलराइजेशन में एसिड और अल्कोहल के इन्होंने कलर छोड़ दिया था, तो काउंटर स्टेनिंग में इन्होंने मैलाकाइट ग्रीन या तो दूसरा कलर ले लिया मिथिलिन ब्लू, इजंट इट। अब प्रोसीजर क्या है, प्रिपेयर द स्मियर बना दो बैक्टीरियल सस्पेंशन का, अलाउ द स्मियर टू एयर ड्राई, उसको एयर ड्राई होने दो, हीट फिक्सेशन करना है, उसके बाद फ्लड द स्मियर विद कार्बोल फ्यूजन स्टेन एंड हीट द स्लाइड फॉर बिलो द स्टीम राइजेस फॉर 5 मिनट्स, मतलब स्टीम के ऊपर उसको स्लाइड को थोड़ा जेंटल हीट देना है, हम बोलते हैं उसको स्टीम बाद देना है वैसा। डू नॉट बॉइल द स्टेन, इंश्योर द स्टेन डज नॉट ड्राई आउट, स्टेन ड्राई होना नहीं चाहिए और उसको बॉइल भी नहीं करना चाहिए, बॉइलिंग मना है उसका और ड्राई भी नहीं होना देना। अलाउ द स्लाइड टू कूल फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक उसको ठंडा होने दो, क्यों, उसके अंदर का वैक्स थोड़ा हार्ड होने तो वो भी अलग वाली दूसरी वाली चीज़ है कि गर्म स्लाइड को हम ठंडा करेंगे तो टूट जाएगी। वॉश विद द टैप वाटर, पहले टैप वाटर के साथ वॉश कीजिए, उसके बाद डीकलराइज द स्लाइड विद द एसिड अल्कोहल और 20% सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो स्ट्रांगेस्ट डीकलराइजिंग एजेंट है उसको डाल दो। कार्बोल फ्यूजन फेल्स टू वॉश द स्मियर, उसके बाद वो कार्बोल फ्यूजन का कलर निकाल ही नहीं पाएंगे, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड अल्कोहल। वॉश विद वाटर एंड काउंटर स्टेन विद 1% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ मैलाकाइट ग्रीन के साथ काउंटर स्टेन कर दीजिए या मिथिलिन ब्लू के साथ कर दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। वॉश द स्मियर विथ वाटर एंड ड्राई एंड एग्जामिन अंडर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव, तो इसमें होगा क्या, मैंने आपको बता दिया है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कौन से कलर में दिखेंगे, रेड कलर में दिखेंगे। स्मियर ये शोज रेड कलर्ड स्लाइटली कर्व्ड बैसिलाई विटार बीडेड अपीयरेंस शोइंग पैलासाइड अरेंजमेंट द ब्राइट रेड और स्लाइटली कर्व बेडेड अपीयरेंस फीचर्स दैट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म दैट इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया, इजंट इट, ये इसकी खासियत है। और स्मियर सस्पेंशन बी शोज ब्लू कलर्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज कोकाई शेपर्ड, है कोकाई शेपर्ड दिखेंगे क्लस्टर, विच मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज स्टेफेलोकोकाई एंड विच हैज बीन अपीयर्ड इन ग्रीन और ब्लू कलर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड फास्ट पॉजिटिव प्रैक्टिकल और एसिड फास्ट प्रैक्टिकल, इजंट इट। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रैक्टिकल, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं 2 या 3 मार्क के लिए। थैंक यू,
ओके, गुड डे।